नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपने आपके YouTube चैनल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे। दोस्तों CISF की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से टोटल 914 पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप केवल 10 भी पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी स्टेट से हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, जो भी वैकेंसी आया है CISF की तरफ से हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एज लिमिट, सब कुछ हम आपको बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के डेली बेसिस पे कोई ना जॉब अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे, वहाँ पे ले जाकर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी वैकेंसी आया है CISF की तरफ से। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CISF की तरफ से टोटल 914 कांस्टेबल और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आया है। यहाँ पे पोस्ट नेम आपका है, यहाँ पे कांस्टेबल और ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल 914 पोस्ट है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन पे अप्लाई करना होगा, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जाम, इसके थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनली आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। आपका सैलरी मिल जाएगा 21,700 से लेके 69,100 रुपये प्रति माह के हिसाब से। उसके साथ साथ आपका जो अदर अलाउंसेज होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिफोर 2 अगस्त 1996 एंड नॉट आर लेटर देन 1 अगस्त 2001। यानी कि दोस्तों आपका मिनिमम एज 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पे दोस्तों 23 साल रखा गया है। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे एज पे छूट मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, SC ST के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा, फॉर्म जो है ऑफलाइन है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों केवल 10 भी पास मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप 10 भी पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10 भी पास किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका फुल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हो। आपका यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23 सितंबर से शुरू होगा, लास्ट डेट आपका रखा गया है 22 अक्टूबर को। क्लोजिंग डेट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यहाँ पे 29 अक्टूबर को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।